गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई नेम इज़ कामिनी शर्मा फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल टूडे आई एक्सप्लेन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास एट द नेम ऑफ आर चैप्टर इज़ लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बच्चे आज मैं आप सबको आपके इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर का नाम है लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर माई डियर चिल्ड्रेन आई लाइक बींग विथ चिल्ड्रन एंड टॉकिंग टू दैम एंड इवन मोर प्लेइंग विद डैम अब ये जो चैप्टर का नाम है कि इसमें मेनली आपको क्लियर होगा लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने एक लेटर लिखा था बच्चों के लिए अब वो लेटर में उन्होंने क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों को मुझे बच्चों के साथ बात करना और बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था फॉर ए मोमेंट आई फॉगेट डेट आई एम एम टेरिबली एली ई ओल्ड एंड डैट इज़ एज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सिंस आई वॉस अ चाइल्ड और मैं ये ए, उस मोमेंट के लिए ये भूल जाता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड uh, हूँ और इवन एन uh, जो था काफ़ी समय की बात है जब मैं बच्चा था आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू अ स्ट्रिंग ऑफ ए गुड एडवाइस एज टू वट यू शुड डू एंड वट यू शुड नॉट डू मैं आपको ये जो लेटर लिख रहा हूँ इस लेटर को लिखने के लिए जो मेरा है मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको कुछ सलाह दूँ कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए आई सपोज़ यू हैव इनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे ये सब सारी बातें कहाँ से सीख लेते हैं स्कूल से ही तो आपको स्कूल्स में आपको जो आपके टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से असिस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें आपके लिए बुरी है तो आपको नहीं करना चाहिए इफ यू वर विद मी I would love to talk to you about this beautiful world of art about flowers and trees and birds and animals and stars and mountains and glaciers and all the other wonderful things that surround us in the world karna chahunga. उसी चीज़ के बारे में बात करने में मुझे अच्छा लगेगा लाइक ये जो हमारा संसार है ये संसार के अराउंड क्या बहुत सारे फूल हैं पेड़ हैं पक्षी हैं जानवर हैं तारे हैं पहाड़ हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ये जो मेनली हमारे सराउंड का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास की चीज़ों को क्या बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं वंडरफुल बना रहे हैं तो मैं आपके साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा आई होप यू विल बी मोर सेंसेबल एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू सी दिस ब्यूटी एंड लाइफ डैट सराउंड यू और मैं आशा करता हूँ होप का मीनिंग होता है आशा कि सेंसेबल मतलब होता है कि लाइक like आप जो है उन चीज़ों को बहुत जल्दी से देख कर सीख पा रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल होंगे और जब आप अपनी आँखें खोलेंगे और कानों से ये जो आपके आसपास जो पक्षी चहचहा रहे हैं और उनकी जो ज़िंदगी वे व्यतीत कर रहे हैं आसपास वो कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो सब देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करेंगे हैप्पी फील करेंगे सो कैन यू रिकोगगनाइज़ द फ्लार्स बाय देयर नेम्स एंड दिय बर्ड्स बाई देयर सिंगिंग तो क्या आप जो आपके आस पास फूल हैं क्या आप उनको देख कर ही रिकग्नाइज़ का मतलब होता है ए जानना ठीक है कि उसको पहचानिए वो क्या चीज़ है तो क्या आप उस फूलों को या जो पक्षी हैं वो जो चहचहाहट करती है तो उनकी आवाज़ से ही क्या आप उनको पहचान सकेंगे हाउ इजी इट इज़ टू मेक अ फ्रेंड्स विद दैम एंड विद एवरी थिंग इन अ नेचर इफ़ यू गो to them affectionately and with the friendship कितना आसान हो जाता है अगर आप उनके दोस्त बन जाओ और आप सब कुछ फिर नेचर का मतलब है प्रकृति आप सब कुछ अपने प्रकृति के बारे में जानेंगे पर ये चीज़ तभी पॉसिबल ही है अफेक्शनेटली का मतलब है कि जब आप खुद उन चीज़ों को लेकर आकर्षित हो और आप उन उन, उन उन चीज़ों के तरफ जाना चाहते हो उनके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो तभी आप उनके अच्छे दोस्त बन पाओ यू मस्ट हैव रेड मेनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन दिए पास आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी किन से रिलेटेड परियों से रिलेटेड फेरी टेल का मतलब होता है परी परियों, परियों से रिलेटेड एट पिछले दिनों में बट द वर्ल्ड इट सेल्फ इज़ अ ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड द स्टोरी ऑफ ए एडवेंचर्स डैट हैज़ एवर बीन रिटर्न पर अगर हम इस संसार की बात करें ना तो ये एक संसार भी क्या है परियों का देश है और यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स का मतलब होता है नए नए जो है आप कह सकते हो चीज़ें आती हैं बहुत सारे यहाँ पर एडवेंचरर्स होते हैं लाइक आप ये कह सकते हो कोई ग्रेट डीट्स हो रहे हैं ग्रेट डीट्स मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ नई नई चीजें आ रही हैं जिनके बारे में लिखा जाता है ओनली वी मस्ट हैव आइज़ टू सी एंड ईर्स टू हीयर एंड अ माइंड डैट ओपन्स आउट टू दियर लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ दर्ड अब उन चीज़ों को मुझे याद रखना है या नहीं रखना है और उन चीज़ों को देख कर मैं कैसा महसूस कर रही हूँ तो उसके लिए मीनि हम क्या यूज़ कर सकते हैं हम अपने आइज़ को यूज़ कर सकते हैं और ईयर्स यूज को यूज़ कर सकते हैं और इपन अपने दिमाग को खुला रखेंगे कि हमारे जो आस पास चीज़ें हो रही हैं उनको मैं बिल्कुल ही ई एक्टिवली होकर देखूँ जैसे ही मैं उनको देखूँगा तो ऑब्वियसली क्या होगी वो जो ब्यूटी है वो जो एक एक आप कह सकते एक सीन है वो मेरे माइंड में बैठ जाएगा आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कैनेडा एंड द इंग्लैंड आई फाउंड द चिल्ड्रन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर एंड सो आई इजिली मेड अ फ्रेंड्स विद डेम अगर मैं बात करूं बच्चा तो मैं रिसेंटली ही कहाँ पर गया था मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड में भी रह चुका था और मैंने वहाँ पर क्या जाना कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो मेनली क्या करते हैं हमारे देश के बच्चों को पसंद करते हैं और इवन उनके साथ दोस्ती करना भी पसंद करते हैं वेन एवर आई हैड द चांस आई प्लेड विद अ लिटल अब उन बच्चों के साथ मतलब वो जो बच्चे थे वो हम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते थे तो इसीलिए जब जब मुझे मौका मिला चांस का मीनिंग होता है मौका मौका मिला तो मैं उन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला भी दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद दी अ ग्रोन अप हु इमेजिन दे आर अ वेरी डिफरेंट एंड एंड डेलीबरेटली मेक डेमसेल सो अब अब मैं जब जब मुझे टाइम मिला मैं उनके साथ खेला तो इससे मेरे को क्या हुआ इंटरेस्ट मेरा और ज़्यादा डेवलप हो गया और वो इंटरेस्ट डेवलप होने पर वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होने शुरू हो गए उन बच्चों ने ए, क्या किया डेलीब्रेटली का मतलब होता है कि उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर दिया और इवन उन्होंने एक इमेजिन इन किया कि मेनली ये जो अलग अलग लोग होते हैं वो मेनली कैसे एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं सो so, डेलीबरेटली का सिंपल मीनिंग क्या होता है ए नोंगली मतलब एक दूसरे को जानना आप कितना कितना उसको जानना चाहते हो सम मन से द चिल्ड्रन ऑफ द जापान रो टू मी एंड आस मी टू सेंड दैम एम एंड कुछ महीने पहले जो जापान के बच्चे थे उन्होंने भी एक मुझे लेटर लिखा और उन्होंने मुझे क्या बोला सेंड देम एम तो उन्होंने भी मुझे एक लेटर लिखा और लेटर लिखने पर उन्होंने बोला कि ये लेटर किसको सेंड कर दो एलिफेंट को सेंड कर दो आई सेंड देम अ ब्यूटिफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया तो मैंने क्या किया एक बहुत ही अच्छा सा जो हाथी है वो कहाँ पर सेंड कर दिया इंडिया के बच्चों की तरफ से सेंड कर दिया बिहाफ मतलब होता है कि उनकी तरफ से दिस एलिफेंट केम फ्रॉम माइसोर एंड ट्रेवल्ड ऑल वे बाय द दी टू जापान अब वो जो हाथी था वो कहाँ से आया था माइसोर से आया था और उसने ट्रेवल का मीनिंग होता है यात्रा यात्रा की कहाँ से ए, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को उसने फॉलो किया सी सी से उसने ए, किया सी के वे से तो उन्होंने ट्रैवल किया जापान से तो व्हेन इट रीच्ड टोक्यो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन केम टू सी इट तो जैसे ही वो कहाँ पर पहुँचे टोक्यो पे पहुँचा तो हज़ारों के ए मायने में बच्चे वहाँ पर आए उसको देखने के लिए मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन एन एलिफेंट वो क्यों आए थे क्योंकि सब जो थे हाथी को देखना चाहते थे और बहुत सारे बच्चों ने हाथी को नहीं देखा था so we must also think of a of their country and of many other countries in the world तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे countries के बारे में सोच सकते हैं और वो दूसरी countries के साथ कैसे कैसे interlinked हैं संसार में वो भी हम लोग जान सकते हैं and remember that एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू अ स्कूल एंड अ प्ले और अगर हम लोग बात करें तो हर जगह बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना भी पसंद करते हैं और खेलना भी पसंद करते हैं एंड टाइम क्वालिंग बट ऑलवेज मेकिंग अ फ्रेंड्स अगेन और कुछ कुछ समय क्या करते हैं वो झगड़ा भी करते हैं क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा तो आपस में झगड़ा वगैरह भी करते हैं पर फिर से वो दोस्त बनाना भी पसंद करते हैं यू कैन रीड अबाउट दिस कंट्रीज़ इन योर बुक्स एंड वेन यू ग्रो अप मैनी ऑफ यू विल विजिट दैम अब ये जो सारी कंट्रीज़ है इसके बारे में नो no डाउट जैसे जैसे आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो आप क्या पढ़ोगे उन कंट्रीज़ के बारे में अपनी अपनी बुक्स में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा और इवन विजिट का मतलब होता है वहाँ पर जाना और आप वहाँ पर जा भी सकेंगे सो देयर आर फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड देम टू ग्रीट यू तो वहाँ पर क्या होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके दोस्त भी बनेंगे और वो आपका क्या करेंगे एक आदर सम्मान भी करेंगे आपको ग्रीट भी करेंगे लाइक like, एक रिस्पेक्ट करेंगे सो एज़ आई राइट आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर दी वर्ल्ड आउट वाइडली डिफरेंट इन अ मैनी वेज स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड येट्स सो वेरी लाइक वन एंड अदर अगर मैं सिंपल बोलूँ मैं अगर ये लिखूँ तो ये जो बच्चे भी हैं ये मेनली क्या है अलग अलग तरह के और एक आर्मी की तरह एक्ट करते हैं संसार में क्यों क्योंकि वो क्या करते हैं अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं इवन एंड जो उनका चीज़ें देखने का तरीका है वो भी सबका अलग अलग होता है इफ़ यू ब्रिंग दैम टूगेदर और अगर आप इन सब बच्चों को एक साथ लेकर आते हैं दे प्ले और क्वैल तो उस समय वो क्या करते हैं वो खेलना भी पसंद करते हैं और इवन खेल खेल में उनके भी साथ जो है आपस में एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं बट इवन द्वारलिंग इज अ सम काइंड ऑफ अ प्ले पर वो जो झगड़ा होता है ना वो झगड़ा मेनली ऐसा नहीं होता कि बहुत भयानक वाला झगड़ा होता है वो जस्ट खेल कूद में ही ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं सो दे डो नॉट थिंक ऑफ द डिफरेंस अमंग्स देम इसीलिए वो आपस में झगड़ा कर कर ये नहीं जानते कि उनमें क्या डिफरेंस है क्या अंतर है सो अवर कंट्री इज़ ए लिटल वर्ल्ड इन इट सेल्फ विद एन इन्फेनाइट वेराइटी ऑफ प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर अगर मैं बात करूँ हमारी जो कंट्री है वो एक छोटा सा संसार है जिसमें मेनली क्या है इन्फेनाइट मतलब अनलिमिटेड कि बहुत सारे वैरायटी मतलब अलग अलग बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं हैं जो हम लोगों ने क्या किया है डिस्कवर किया है जिनको हमने जाना है सो आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इन कंट्री एंड आई हैव अ ग्रोन इन अ मैंने क्या किया है मैं जगह जगह जो है कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया उनकी यात्रा की है और धीरे धीरे सालों साल में इन सब को जानते जानते बड़ा भी हो गया हूँ आई विश आई हैड मोर टाइम सो डेट आई कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड दिया कॉर्नर्स ऑफ दिया इंडिया मैं आशा करता कि काश मेरे पास और समय होता तो मैं क्या करता ये जो देश के जितने भी ये कोने हैं हर एक जगह पर मैं जाता और वहाँ पर जाकर हुक्स एंड कॉर्नर्स का मतलब होता है ईच एंड एवरीवेयर कि हर एक कोने कोने पर हर एक जगह जाता भारत के और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाता है। I would like to go, oh! और देअर इन दी कंपनी ऑफ ए ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड ए करियोसिटी मैं हमेशा यही आशा करता हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ उन बच्चों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है कि जो हमेशा अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रियोसिटी होती है क्रियोसिटी मतलब होता है लाइक बच्चा कि जैसे आपको को कोई काम दिया है तो आप उस काम को करके अपना कितना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं आप उसमें कितना अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं कि आप कितने उसके इच्छुक हैं काम करने के तो मुझे ये सब चीज़ों के जानने में बहुत ही अच्छा लगता था आई शुड लाइक टू गो विद दैम मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प करना चाहता था एंड नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ द इंडिया एज टू दिए माउंटेन्स एंड दिए फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स एंड दिए ओल्ड माउंटेन्स एंड ऑफ विच टेल अ समथिंग ऑफ ए इंडिया स्टोरी तो इवन मैं ये भी चाहता था कि मैं और कहाँ कहाँ पर जाऊँ ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाता जैसे भारत में बहुत अच्छे जो है पहाड़ हैं जंगल हैं नो डाउट जहाँ पर बहुत ही सारी नदियाँ वगैरह हैं तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहता था कि जो भारत की सभ्यता है वो कैसी है और उसको कैसे रचा गया है पर नो no डाउट मेरे पास इतना समय नहीं था तो जितना कर सका उतना मैंने किया सो so, बच्चा ये हमारी स्टोरी थी लेटर टू दी चिल्ड्रन ऑफ़ द इंडिया इसमें मेनली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने बताया है कि लाइक जो है बच्चे जो है वो कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं और बच्चे अगर चाहें तो वो बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए लाइक like, अगर हम किसी से झगड़ा भी करते हैं या जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो बच्चे हैं बेशक वो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं उनका अलग अलग रिलीजन है उसके बावजूद भी वो सब एक साथ होकर रहते हैं सो प्लीज़ स्टूडेंट एंड रीड द चैप्टर वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश नोटबुक बुक बाई यूजिंग ब्लू एंड ब्लैक पेन मीनिंग इंग विथ ब्ल्यू पेन एंड वर्ड्स विथ ब्लैक पेन आपको ब्लैक पेन से वर्ड्स लिखने हैं और मीनिंग किस से लिखने हैं ब्लू पेन से लिखने हैं एंड बिफोर डूइंग दिस वर्क यू हैव टू मेक द कवर पेज आपको इस चैप्टर का कवर पेज बनाना है कवर पेज सिंपल क्या होता है कि जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर उसको थोड़ा बोल्ड लिख दीजिए इवन उससे रिलेटेड आप जैसे ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पिक्चर दी है आप वो भी बना सकते हैं देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन क्वेश्चन ए बी ई एंड ई एफ यू हैव टू डू इट इन बुक विद पेंसिल पेंसिल से आपको इसको फिल करना है एंड क्वेश्चन सी एंड डी यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक विद ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन सो यू कैन राइट द क्वेश्चन विद ब्लैक पेन एंड आंसर विद ब्लू पेन इन केस स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी देन सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप Thank you. Have a nice day.